दिस चैनल इज़ फॉर एजुकेशन पर्पज़ एंड वी डोंट नॉट रिकमेंड यू टू बाय और सेल एनी स्टॉक्स बिफोर इन्वेस्टिंग इन आवर प्रिडिक्शंस. प्लीज़ टेक एडवाइस फ्रॉम योर फाइनेंशियल एडवाइजर. वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी ऑफ योर प्रॉफिट एंड लॉसेज. सो गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल फिनवेस्ट. उम्मीद है आप सभी के ट्रेडिंग डेज अच्छे जा रहे होंगे. अगर नहीं जा रहे होंगे तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको अपनी स्किल इंप्रूव करने में काफ़ी मदद मिलेगी. तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 11 फरवरी 2021 के लिए जो हमने आपके लिए सिलेबस दिए थे उनका क्या रिजल्ट रहा. सबसे पहले हम बात करेंगे आरती इंडस्ट्रीज. देखिए ऑर्गेनिक्स और जो मैंने आरती इंडस्ट्रीज दिया था ये आपको दिया था मैंने आपको यूट्यूब पे, और जो हमने बाकी के दो बचे हुए बाला माइंस और एचडीएफसी बैंक ये दिया था मैंने आपको टेलीग्राम चैनल पे. अगर आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन जरूर हो जाएगा. मॉर्निंग में दो कॉल्स मैं वहीं पर प्रोवाइड करता हूँ. सबसे पहले हम बात कर लें अगर आरती इंडस्ट्रीज की, तो आरती इंडस्ट्रीज में आज हमारा जो था शॉर्ट सेलिंग का जो हमारा लेवल था उसके ब्रेकआउट होने के बाद इसने हमारा यहाँ जाके स्टॉप लॉस हिट कर दिया था. इस लाइन पे लगभग यहाँ पे हमारा लेवल था, यहाँ पे लेवल ब्रेकआउट होने के बाद ये जो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया था. पर जो बाइंग साइड की कॉल थी हमारी, बाइंग साइड में हमारा एक ही टारगेट प्राइस अचीव हो पाया. ज़्यादा अप एंड डाउन मूवमेंट इसने दिखाया नहीं. अगर आप देखेंगे चार्ट पे तो ये कुछ ऐसा दिख रहा था इस टाइप में. तो इसमें हमारा जो था स्टॉप लॉस हिट हो गया था शॉर्ट सेलिंग साइड का. बाय साइड का हमारा टारगेट अचीव हो गया था एक टारगेट प्राइस. बात करूँ मैं बाला माइंस की, तो बाला माइंस में आपको 200 पॉइंट्स अप्रॉक्स समथिंग आपको जो है टारगेट मिला आज. काफ़ी अच्छा आपको 200 पॉइंट्स आपको यहाँ पे मिल गए होंगे अगर आप ट्रेड में बने रहे होंगे. यहाँ पे जाके देखिए यहाँ से ये शुरू हुआ था. लगभग हमने आपको बाय करने के लिए बोला था 1460 to 1470 समथिंग में आपको बाय करने के लिए बोला था, और यहाँ से लेकर ये इसका हाई बनाया है इसने 1680 का, यानी कि 1480 से सीधा 1680 का इसने हाई बनाया. तो आप लगा सकते हैं 200 पॉइंट्स का आपको आज प्रॉफिट हो सकता था. 7% का रिटर्न आज इसने दिया है, तो इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा. हमारे टारगेट में अगर आप रहे होंगे तो भी रहा होगा, टारगेट के बाद भी अगर आपने कंटिन्यू किया होगा तो भी हुआ होगा. एचडीएफसी बैंक की मैं बात करूं तो इसमें हमारे शॉर्ट सेलिंग साइड के दो टारगेट प्राइस इजीली अचीव हो गए थे. बाय साइड की कॉल लगी नहीं. एक बार शॉर्ट सेलिंग साइड के पूरा मार्केट नहीं है, जब शॉर्ट सेलिंग साइड की कॉल एक्टिवेट हुई उसके बाद ये पूरा मार्केट ही हल्का धीमा रहा और इसमें दो ही टारगेट प्राइस हमारे अचीव कर पाया. आखिरी में बात करूंगा विनेटी ऑर्गेनिक्स की, तो विनेटी ऑर्गेनिक्स में हमारा जो था इसमें भी हमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिला. 80 to 90 पॉइंट्स मिला. यहाँ पे हमारी बाइंग प्राइस थी लगभग स्टार्टिंग में ही बाइंग प्राइस थी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये गया है 1350 या 60 का अप्रॉक्स हमारी बाइंग प्राइस थी, और इसका हाई है 1450 का, 1440 to 1450. तो लगा सकते हैं आप 80-90 पॉइंट्स आपको इसमें भी इजीली मिल गए थे. तो ये तो बात होगी आज की स्टॉक्स की. अब बात कर लेते हैं 12 फरवरी 2021 के स्टॉक्स की. पहला स्टॉक मैंने आपके लिए चुना है वो है एबीबी. आप बाय करके चलेंगे 1425.50. एग्जैक्ट 1425 पे बाय नहीं करेंगे. टारगेट रहेगा 1431. पहला टारगेट प्राइस स्मॉल इसलिए रहेगा अगर स्टॉक गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो आपका गैप रिफिल करने के बाद भी एक टारगेट प्राइस अचीव हो जाए, इसलिए पहला टारगेट प्राइस हमेशा स्मॉल रहेगा. गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होगा तो आप क्या करेंगे, वेट करेंगे 11 एएम तक. 800 से ऊपर के स्टॉक में आप वेट करेंगे 11 एएम तक. 800 से नीचे के स्टॉक्स में आप वेट करेंगे 10 एएम तक, 10 या फिर 10:30. तो 11 एएम तक आप वेट करेंगे इसमें, क्योंकि ये स्टॉक है 800 से बड़ा, तो इसमें आप 11 एएम तक वेट करेंगे इसकी गैप रिफिल होने का. गैप रिफिल कैसे होगा, बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में कहीं पे भी वो एक मिनट का होल्ड लेगा गैप अप या फिर गैप डाउन ओपन होने के बाद. गैप रिफिल करने के बाद जब वो एक मिनट का होल्ड ले लेगा, फिर दोबारा से जब लेवल ब्रेकआउट करेगा हमारा बाय या शॉर्ट सेलिंग साइड का, तब आप उसे बाय या शॉर्ट सेल कर सकते हैं. लेकिन एक मिनट का होल्ड अगर नहीं लेता है बाइंग और शॉर्ट सेलिंग प्राइस के बीच में तो आप उस स्टॉक को छोड़ देंगे, और बहुत ज़्यादा ही गैप अप गैप डाउन या फिर गैप अप ओपन हो जाता है तो भी उस स्टॉक को छोड़ देंगे. बात करते हैं स्टॉप लॉस की. स्टॉप लॉस रहेगा इसका 1412 का. 1412 यानी कि 1411.50 का आपका स्टॉप लॉस रहेगा. एक्जैक्ट इस पॉइंट पे भी आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना है. शॉर्ट सेलिंग का लेवल रहेगा आपका 1411 का, यानी कि 1410.50 पे आप इसे शॉर्ट सेल करेंगे. टारगेट रहेगा 1405, 1395 और 1385 का. स्टॉप लॉस रहेगा आपका 1423, यानी कि 1423.50 का. ध्यान रखेंगे आपको एग्जैक्ट इस वैल्यू पे बाय या एग्जैक्ट शॉर्ट सेलिंग की प्री वैल्यू पे शॉर्ट सेल नहीं करना है, ऊपर नीचे शॉर्ट सेल करना है, वो मैंने आपको बता दिया है. डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा. आप अगर आप चाहते हैं छोटे स्टॉक्स यानी कि 400 to 700 के रेंज में स्टॉक चाहते हैं, देखिए मैं हमेशा बताता हूँ आपको 15 to 25 पॉइंट्स मिल जाते हैं आपको मिनिमम दोनों बाय और शॉर्ट सेलिंग साइड मिला के, जो स्टॉक्स मैं व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करता हूँ मॉर्निंग में. 400 to 700 की रेंज में ये स्टॉक्स होते हैं और इसमें आपको प्रॉफिट काफ़ी अच्छा हो जाता है. एक ही स्टॉक से ज़्यादा स्टॉक आपको ज़्यादा स्टॉक में ट्रेड करनी नहीं पड़ती, बट मैं एक चीज़ बोलूँगा कि दो स्टॉक में मिनिमम ट्रेड कीजिए. अगर एक में लॉस होता है दूसरे में आप रिकवर कर सकते हैं.
पहली बार में आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, दूसरी बार आप वो कॉल ले सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। लेकिन पहली बार में अगर टारगेट अचीव हो जाता है, दूसरी बार आप वो कॉल नहीं लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉन्टैक्ट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको 400 to 700 के बीच में रेंज में स्टॉक्स चाहिए, मॉर्निंग में मैं व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करता हूँ, अलग से पर्सनली प्रोवाइड करता हूँ, तो आपको चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन जरूर हो जाएगा, क्योंकि दो स्टॉक्स मैं वहाँ पे प्रोवाइड करूँगा। एचजीएस की मैं बात करूँ तो एचजीएस आप बाय करके चलेंगे, एज यूजुअल लेवल ब्रेकआउट होगा 1170 का, टारगेट रहेगा 1175, 1180 और 1190 का, स्टॉप लॉस रहेगा 1160 का, शॉर्ट सेलिंग का प्राइस रहेगा आपका 1158, टारगेट रहेगा 1153, 1145 और 1133 का, और स्टॉप लॉस रहेगा 1169 का। तो इसमें भी लेवल्स ब्रेकआउट होंगे, जैसा मैंने अभी आपको समझाया पहले एबीबी में, वैसे इसमें भी करना है, और वैसे जो दो स्टॉक्स में टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करूंगा उसमें भी करना है। आज की वीडियो में बस इतना ही है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। उम्मीद है आप सभी को हमारे जो स्टॉक्स हैं वो पसंद आ रहे होंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।